एक्सपेरिमेंट है वो हमें पता करना है कि किसी भी फूड आइटम के अंदर जहां पर मैंने मिल्क लिया है, दूध लिया है, तो उसमें हमें पता करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास मटेरियल है दूध, कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये हमें लेना है। तो पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दूध लेंगे। मैंने यहाँ पर दूध लिया, ये दूध लिया इसने, इसको हम थोड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये मिल्क है, इसमें दो तीन बूंदे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालेंगे। दिस इज ब्लू कलर, ये पहले पाउडर फॉर्म में था, इसमें पानी डाला, डाइल्यूट किया, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है। इसमें दो तीन बूंदे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे हम दूध वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें कलर है वो ब्लू है, ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, मिल्क और कॉपर सल्फेट अलग दिख रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा की 10 बूंदों तक, 7 से 8 या 10 बूंदे इसके अंदर हम एस्टिमेटेड तौर पर डाल देंगे। आप देखो इसके कलर में जो वॉयलेट कलर आ रहा है, बैंगनी, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ रहा है इसके अंदर। ये जो वॉयलेट कलर है, ब्लूइश कलर है, ये शो करता है कि दूध के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन का टेस्ट हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से करते हैं। जिसमें इस तरह का कलर दिखाई देता है, इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दूध का रंग वॉयलेट कलर में शो करता है, दूध का रंग वॉयलेट कलर हो गया, हमने कॉपर सल्फेट डाला उसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो वो कलर शो करता है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।